एक दो जगह नहीं सारा बदल छलनी है। दर्द बेचारा परेशान है किधर से, बस एक झिझक है यही हाल है दिल सुनाने में कि तेरा जिक्र भी उठेगा इस फसाने में। कोई आसेब है, साया है या जादूगर है, जाने क्या बात है कि हर शख्स के दिल में डर है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। एक दो जगह नहीं सारा बदल छलनी है। दर्द बेचारा परेशान है किधर से उठे। सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि ये किस किस्म का बजट है, ये कैसा बजट है? जम्मू एंड कश्मीर का लगातार यहां पर सर चौथी बार जो वहां रियासती असेंबली में नहीं हो करके बल्कि पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है यह बजट। चार बार ऐसा हुआ कि यहां पार्लियामेंट में पेश किया गया। सर क्या है, बेहतर नहीं होता कि दस्तूरे हिंद और हमारे फेडरल सिस्टम के मुताबिक यह बजट वही असेंबली में पेश होता? कोई भी बजट सर सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स नहीं होता। हमारे तनखा जी कह रहे थे कि सिर्फ खाता को बराबर कर देना नहीं होता है, जहां सिर्फ आमदनी और खर्चा को दर्ज किया हो, बल्कि हर बजट मकामी आवाम की उम्मीदें, आशाएं और रहबरी की अक्कासी वहां के चुने हुए नुमाइंदे के जरिए करता है। सर, बहुत सारे अहम मसाइल जैसे जम्मू कश्मीर पर यूटी बना दिया गया, सदर राज लगाया गया, उन कदम के नतीजे में खित्ते की तंजुली हुई है और रियासत का दर्जा दोबारा बहाल नहीं किया गया। सर, ऐसे सिचुएशन में दरअसल इस बजट पर एक बड़ा सवालिया निशान उठ जाता है। बजट में कुछ खामियां नजर आती हैं सर, मैं उनको आपके सामने दर्ज करता हूं। सर, जहां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए 71,615 करोड़ रखा गया है, वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 41,365 करोड़ का सुझाव है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 67% और कैपिटल एक्सपेंडिचर 33%। 2/3 बजट का आपके डे टू डे खर्चे और ऐसे खर्चे में जा रहे हैं, जबकि 1/3 सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है। जम्मू एंड कश्मीर जैसे इलाके के लिए सर जहां सोशल सेक्टर में स्पेंडिंग और बढ़ाने की जरूरत है, ये रकम बिल्कुल नाकाफी है और खित्ते के तरक्याती कामों पर इसका मनफी असर पड़ेगा। सर, और आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब बजट का 80% हिस्सा यानी 90,555 करोड़ पुलिस और होम डिपार्टमेंट के लिए प्रपोज्ड है, तो इसका मतलब क्या है? जी हाँ, जेएमके एक पुलिस स्टेट में तब्दील हो गया है। इसका मतलब यह है कि जम्मू एंड कश्मीर में हालत मामूल से बहुत दूर है और सरकार अब भी मिलिटेंसी से जूझ रही है। हमारे होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के तालुक से नीरज जी, प्लीज बी सीटेड। रास्ते कहाँ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम क्या हुआ है? दरअसल प्लीज होगा कैसे सर, जितने सेक्रेटरी और कमिश्नर वहां पर अपॉइंट किए गए हैं, जिनकी बहाली हुई है, सब के सब तो जम्मू कश्मीर के बाहर है, वो वहां की ज्योग्राफी और हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है। अभी तो उनको कई साल लगेगा पूरा इलाका समझने के लिए, फिर जाकर के डेवलपमेंट का काम होंगे। मैं और जहां तक सेंट्रल प्रोजेक्ट की बात कही गई है, तो वहां भी
हुकूमत के लोगों के अलावा किसी और को काम नहीं मिलता, लोकल जो थे वो इन कामों से महरूम हैं। सर अमित शाह जी की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि वहां दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की हो रही है, मगर इसी पार्लियामेंट में सारे उसूलों को बड़ाए ताक पर रखकर कानून लाया गया, जिसके नतीजे में कश्मीर की आज ये हालत इजहार है। ऐसी क्या जल्दी थी उस कानून की? आप सब थे, हम लोग सब थे इस हाउस में, कितना जल्दी लाया गया और कितना जल्दी पास किया गया था, क्या जल्दी थी इतनी? प्लीज बस साइलेंस, साइलेंस प्लीज साइलेंस। बस एक झिझक है, यही हाल है दिल सुनाने में, बस एक झिझक है यही हाल है दिल सुनाने में कि तेरा जिक्र भी उठेगा इस फसाने में। अगर आप पहले नजर दौड़ाएं तो डीमोनेटाइजेशन के वक्त कहा गया था कि इसके अमल से जाली नोटों का धंधा बंद हो जाएगा और आतंक और आतंकवादी खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्या ऐसा हुआ? सर वक्त ने साबित कर दिया कि हर बार की तरह यह भी जुमलेबाजी निकला, यह भी जुमलेबाजी का हिस्सा निकला। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं जिससे पता चलता है कि सरकार के दावों के बरक्स जम्मू एंड कश्मीर में अभी नॉर्मलसी से काफी दूर है, नॉर्मलसी आने को बाकी है। सर अभी हमारे कलीग बहुत दूर है, पंचायती राज इलेक्शन के बारे में बोल रहे थे कि वहां पर पंचायती राज इलेक्शन किया गया। अरे वाकई पंचायती राज के तहत मैं मानता हूं जम्मू एंड कश्मीर में भी इलेक्शन कराए गए और वहां जो डीडीसी यानी जो जिला परिषद के बराबर के और बीडीसी जो ब्लॉक समिति के मेंबर चुन कर आए उनको कैंपों में बंद रखा गया है, ये कहकर के कि वहां बाहर निकलने से उनके जान को खतरा है सिक्योरिटी के लिए, कोशिशें की गई 2020 में 62 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए जबकि 106 जख्मी हुए, 2021 में 42 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए और 117 जख्मी हुए। सर ब्लिंकिंग की वजह से 2019 और मार्च 2021 के दरमियान 59 आम शहरी मारे गए और 168 जख्मी हुए, यहां तक के सियासी वर्कर्स और पंचायत नुमाइंदे समेत 39 शहरी 2021 में मारे गए। सही, इसके बावजूद मरकजी हुकूमत बार बार ये दिखाने की कोशिश में मसरूफ है कि जम्मू एंड कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है। सर हजारों लोगों और खासकर नौजवान जितने सहाफी और सियासी वर्कर्स शामिल हैं को गिरफ्तार करके डायरेक्ट ट्रायल कैद कर लिया गया है। सर डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म का एक नाम है कश्मीर वाला, उसके एक सहाफी फरशाह पर दो दो बार यूएपीए लगाया गया। हालिया दिनों में इंसानी हकूक के अलंबरदार खुर्रम परवेज की हिरासत को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। यू कैन काउंटर इट लेटर मैडम, यू कैन काउंटर इट सरकार के मकम, नो नो यू कैन डेफिनेटली काउंटर इट व्हेन योर टर्न कम्स, वन मिनट नजर यहां तक के व्हेनेवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी प्लीज काउंटर इट बट नॉट नाउ, नो यू कैन नॉट स्टॉप इट, प्लीज प्लीज यू कंटिन्यू सर।
यू प्लीज कंटिन्यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर में आजाद मीडिया का गला घोट रहा है, कोई आसेब है, साया है या जादूगर है, जाने क्या बात है कि हर शख्स के दिल में डर है। सर, सरकार का यह फैसला भी बहुत खतरनाक है कि मिलिटेंसी से लड़ने के लिए सरकार की हिमायत याफ्ता मिलिशिया को मैदान में उतारा जाएगा। इस कदम से पूरे जम्मू कश्मीर की फिरकावाना आमांगी पर असर पड़ेगा। सर, अफसोस की बात है कि बजट में जेएनके का सोशियो इकोनॉमिक हालत को उजागर नहीं किया गया। सर, बेरोजगारी का यह हालत है कि 22% बेरोजगारी है जबकि मुल्क के नेशनल एवरेज 7% है। और सीरियस बात तो यह है कि हुकूमत हिंद के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की रिपोर्ट के मुताबिक जेएनके के तालीमी याफ्ते यानी पढ़े लिखे नौजवानों में बेरोजगारी की शरह 46.3% है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में हर दूसरा एडुकेटेड यूथ बेकार है। पिछले 3 वर्षों में सरकारी नौकरियों में सिर्फ 11,000 बहाली हुई है, ये बहुत कम है सर, और 3 दिहाइयों में सबसे कम है। लेकिन साथ में आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सरकार ने 5 अगस्त 2019 के कबल से ही सारे रिक्रूटमेंट बंद कर रखे हैं। इस गलत पॉलिसी की वजह से जेएनके के हजारों तालीम याफ्ता नौजवान रोजी रोटी से महरूम हैं और पिछले 3 सालों में एक भी स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इनाकाम नहीं हुआ। अमित शाह ने, यू हैव ऑलरेडी, हमारे होम मिनिस्टर ने बड़े बड़े वादे किए थे कि जेएनके में अब तरक्याती कामों का पोछा आएगा, बड़े सरमायाकार जम्मू कश्मीर में अपनी तजारत को फरोख देंगे। लेकिन हुआ क्या? 3 सालों में स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और छोटे कारोबारियों ने अपना बिजनेस बंद कर दिया। मुकामी नौजवान अब भूख मरी के कगार पर है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का सारा काम अब बाहर की बड़ी कंपनियों को चला गया है। सर, रेत निकालने का काम जो मुकामी नौजवान करते थे वो भी इसी हालत का शिकार है। लिहाजा बजट में ऐसा कुछ नहीं नजर आता जिससे मुकामी नौजवान रोजगार से जुड़ सके। सर, सबका साथ सबका विकास कितना खोखला, इसे समझ में आ रहा है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। सर, मैं क्या बोलूं? संजीदा बना देता है। वही टूरिज्म, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के शोभों को बजट ने तरजीह नहीं दी और कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन मद में सिर्फ मामूली इजाफा हुआ है। सर, टूरिस्ट ट्रैफिक को देखते हुए टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। और सर, मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा ना बने, तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। लेकिन सर, सरकार किसी भी सरकार की कामयाबी का जामिन है। सर, प्लीज कंक्लूड। सर, जस्ट गिव इट टू मी, सर, जस्ट टू मी। नो, प्लीज अलाउ हिम टू स्पीक। यू कैन ऑलवेज काउंटर इट। प्लीज सर, मैं आपको ये कहूंगा पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक। सर, आज गैस और तेल के दाम में आग लगी हुई है। सर, मिनिस्टर बोलते हैं इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड, व्हाई आर यू शाउटिंग? हम लोग फेज आउट करेंगे। फेज आउट तो होगा सर, लेकिन क्या चीज से फेज आउट करेंगे? आप एलपीजी से फेज आउट करेंगे तो उसका भी तो दाम बढ़ गए, उसका भी कौन जवाब देगा? सर, इतिहास सिखा दिया है कि मैरी एंटोनियट ने यही कहा था कि रोटी नहीं मिले तो केक खाओ, नहीं मिले तो गैस जलाओ, तो गैस का भी तो आप दाम बढ़ा दे रहे, इसका कौन जवाब देगा? मैं आखिर में अपने बात को खत्म करने के साथ साथ मैं कुछ अपनी मेरी तरफ से और अपनी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस तरफ से कुछ सुझाव। सर, कि ये जो डेकोरेशन हो रहा है ना कश्मीर का, इसको बंद किया जाए।
ये जो फॉल्स नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, जो मैंने नैरेटिव का मैनेजमेंट किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए सर। हकीकत को कबूल कीजिए, सच्चाई का सामना कीजिए, लोगों से बात कीजिए, वहां के लोगों से बात कीजिए, और यू कैन वहां हटने किए हैं इस हाउस में और बाहर में, उसको पूरा निभाइए और जम्मू एंड कश्मीर में डेमोक्रेसी को रिस्टोर कीजिए सर। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ सर, बस एक बात कह गए कि फारसी का सर एक बकौला है, फारसी का एक बकौला सर, अगर राजे अगर फिर राजे सर, फारसी का एक मकौला है सर, अगर फिरदौस बरुए अस जमी अस, अगर फिरदौस बरुए जमी अस हमी अस तो हमी अस तो हमी अस, ये कश्मीर के बारे में सर, इसके माने में अगर जमीन पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। मगर सर आज के दिन इस मकौले में हकीकत कम दिखाई देती है। थैंक यू।